हेलो एवरीवन, लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी मींस मॉनेटरी जीडीपी. मनी की टर्म्स में जो जीडीपी है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year prices. It may increase without any increase in the quantum of output in the economy. Nominal GDP is equal to price into quantity. Students, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है ये nominal GDP, monetary GDP. GDP को हम कैसे काउंट करते हैं? GDP यानी कि जितने भी goods and services प्रोड्यूस हो रहे हैं, it is calculated by price into quantity. अब जो ये nominal GDP है, आप क्या करोगे? हमेशा इसको current year prices पर हम measure करते हैं nominal GDP को. और इसमें हम क्या करेंगे कि करंट ईयर प्राइस यानी कि अभी मार्केट में प्रीवेलिंग प्राइस कितने चल रहे हैं. अब इसको कैलकुलेट करने का क्या मकसद है कि इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और किसके थ्रू हो रहे हैं कि जो मार्केट में अब प्रीवेलिंग प्राइसेस चल रहे हैं, राइट. अगर तो क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्टीन्यूसली रेज हो रहे हैं, तो हमें हमेशा ही जो ये जीडीपी है, मॉनेटरी जीडीपी इसलिए बोलते हैं इसको, ये हमेशा ही क्या शो करेगी कि हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रही है. लेकिन एक्चुअल में जीडीपी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके ये वाला जो आइटम है, ये वाला एलिमेंट है, यही रेज हो रहा है. क्वांटम तो इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि लोगों को पर कैपिटा जीडीपी नहीं मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज उतने नहीं मिल रहे हैं. हमें सिर्फ ये एक मनी का इल्यूजन शो हो रहा है कि दैट देयर आर हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिवन आउटपुट, कि आउटपुट का जो प्राइजेस है, जो जीडीपी है हमारी, वो रेज हमें दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअल में रेज नहीं हो रही है, राइट. तो नॉमिनल जीडीपी वो है कि जिसमें ये हमेशा शो होता है कि प्राइजेस हमारे कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी जीडीपी, राइट. अब जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है रियल जीडीपी का. अब जो ये रियल जीडीपी है, ये क्या है? रियल जीडीपी, रियल का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल जीडीपी क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्स्टेंट प्राइजेस. कॉन्स्टेंट प्राइजेस यानी कि बेस ईयर प्राइजेस के साथ हम लेते हैं. आपको याद होगा जब हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किया था, तो हम एक बेस ईयर लेते हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ कंपेरिजन, एंड इट बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर, राइट. आपको याद होगा ये. तो हम ये उस ईयर की बात कर रहे हैं, इसमें हम कॉन्स्टेंट प्राइजेस में मेजर करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअल में कितने इंक्रीज हो रहे हैं, पर कैपिटा जीडीपी, हर पर्सन को जीडीपी कितनी प्रोवाइड हो रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रियल जीडीपी. तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using base year prices. It increases only when there is increase in the quantum of output in the economy. यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं? Prices को constant रख रहे हैं, और quantum हमारा goods and services का change हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कि actual में economy में कितने goods and services generate हो रहे हैं. और जो भी politicians या policy makers होते हैं, administration persons होते हैं, उनका main ध्यान यही होता है कि real GDP में increase होना चाहिए. Real GDP is considered as better इंडेक्स इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी, राइट. तो ये आपका आ गया रियल जीडीपी का कंसेप्ट. बस ये ध्यान रखना है कि रियल है तो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसमें हमारा प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा, और जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें
क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ प्राइस को रेज करके हम देखते हैं कि मॉनेटरी कितना चेंज हो रही है रियल जीडीपी। अब हम इसको कन्वर्ट करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इसमें से ये होगा स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें हैं, आपको कोई भी दो गिवन होगी और थर्ड वन आप फाइंड आउट कर सकते हो। और हम इसको इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, अगर आपके पास ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो ये आप फॉर्मूला आप याद लर्न कर लोगे कि ये किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में अवेलेबल करा दूंगी। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर नेक्स्ट टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कि करंट प्राइस में जीडीपी रेशियो कितना, मतलब कितना डिफरेंस चल रहा है उसका, राइट? या हम उसको बोल सकते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन कितना चल रहा है बिटवीन द करंट ईयर प्राइसेस एंड द कांस्टेंट ईयर प्राइसेस। तो जीडीपी डिफ्लेटर को मेजर करने का ये इंपॉर्टेंट भी है। फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर को मेजर करने का फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा जीडीपी डिफ्लेटर वाला कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। स्टूडेंट्स, जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी को हम एक अच्छा मेजर मानते हैं। दैट मीन्स जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, राइट? अगर तो स्टूडेंट्स देखो, रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, रियल जीडीपी दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, दैट मीन्स इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑब्वियसली, बिकॉज इट शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज जितने ज़्यादा अवेल हो रहे हैं, दैट मीन्स आउटपुट हमारा क्या हो रहा है? रेज हो रहा है। आउटपुट रेज हो रहा है तो दैट मीन्स पर कैपिटा जीडीपी हमारी रेज हो रही है। तो ये तो था इसका मेरिट कि जीडीपी, यस इट इज़ अ प्रॉपर, यस इट इज़ अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर इन द इकोनॉमी। नाउ जो इसकी लिमिटेशंस हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। लिमिटेशंस क्या हैं? जीडीपी हमें ये नहीं बताता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में है, तो जीडीपी इज अ गुड इंडेक्स फॉर द वेलफेयर। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं है, अनइक्वल है, किसी की इनकम बहुत कम है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, राइट? तो ऐसी जो इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इट जीडीपी ग्रोथ रेट फेल टू रिफ्लेक्ट सोशल वेलफेयर। तो वहाँ से हमें सोशल वेलफेयर का पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी हमें यही बताएगा कि वेलफेयर हो रहा है, जीडीपी रेज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो रेज नहीं हो रहा होता। सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी मे नॉट बी द वेलफेयर ओरिएंटेड। जीडीपी हो सकता है कि वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो, ये हमें प्रॉपर इंडेक्स नहीं बताता। स्टूडेंट्स देखो, अगर इकोनॉमी में डिफेंस गुड्स सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट वेलफेयर का सिंबल नहीं है, ये इनडायरेक्ट वेलफेयर का सिंबल है। क्योंकि अगर डिफेंस गुड्स जनरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। चाहे हम उसको कंज्यूमर गुड आइटम में कंज्यूम कर लें, चाहे हम उसको डिफेंस गुड्स में लगा दें, राइट? तो अगर तो कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, तो इट इज़ अ डायरेक्ट वेल सिंबल ऑफ डायरेक्ट वेलफेयर इन द सोसाइटी। अगर डिफेंस गुड्स बन रहे हैं, राइट, तो इट इज़ इनडायरेक्ट वेलफेयर, राइट, नॉट अ डायरेक्ट वेलफेयर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लिमिटेशन आती है हमारे पास नॉन मोनिटरी एक्सचेंजेस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विलेजेस ऐसे हैं जहां पर बार्टर सिस्टम चलता है, यानी कि उनको कैश पेमेंट नहीं की जाती है। जैसे हार्वेस्टिंग टाइम पे क्या होता है कि कैश पेमेंट नहीं दी जाती, उनको क्या किया जाता है कि कुछ राइस दे दिए जाते हैं, कुछ वीट दे दी जाती है, तो नॉन मोनिटरी एक्सचेंज चलता है। और ये सारा क्या रहता है? अनरिकॉर्डेड रह जाता है। सो यहाँ पर जो जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेट होती है, क्योंकि जीडीपी में हम क्या काउंट करते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स हो जाता है जीडीपी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नैलिटीज़। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बाह्यताएँ, यानी कि एक्सटर्नल अफेक्ट्स हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ रहे हैं। एक एक्सटर्नलिटीज़ रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके गुड या बैड इफ़ेक्ट को जीडीपी काउंट नहीं करता। तो जीडीपी एक्सटर्नलिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और एक हमारे पास होती हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, मान लो आपके नेबरहुड में किसी ने बहुत ब्यूटीफुल गार्डन बना दिया और जो पाथ मेकर्स हैं जो जा रहे हैं रास्ते से उनको बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है वहाँ पर, राइट। तो इसकी जो कॉस्ट है कहीं पर भी जीडीपी में काउंट नहीं होती है, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ आपके पास कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही थी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का। सपोज एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अंधेरा है और एक घर क्या कर रहा है, डेली बाहर का बल्ब जला रहा है, तो वहाँ पर रास्ता देखने के लिए सबको ईजी है, ईजी प्रोवाइड हो रहा है, लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है। तो ऐसी कॉस्ट कहीं भी एक्सटर्नैलिटीज़ में इंक्लूड नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इतना पोल्यूशन इमिट होता है, इतना स्मोक इमिट होता है, तो ये सारी कॉस्ट जो है वो सोसाइटी को बियर करनी पड़ती है और ऐसी कॉस्ट भी कहीं पर भी इंक्लूड नहीं हो रही है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। So with this, your chapter is over.